नमस्कार। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस हम देखें। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन 2009 में पूछा हुआ है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, तो यहाँ पे ए पे ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड भी निकाल सकते हैं और ये साइड क्या निकलेगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। अगर आई इसका इन सेंटर है ट्रायंगल का, इन सेंटर मीन दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। अब देखिए, शेडेड रीजन का एरिया अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सर्कल हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना, नहीं तो हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास में रेडियस होना जरूरी है। तो अगर ये इन सर्कल है, ये अगर इसका रेडियस आर है, यहां से यू ऑलरेडी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ से हमको आर निकालना है। आर निकालने के लिए इस आई को ए से, बी से और सी से अगर हम ज्वाइन कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अब देखिए, एक एक करके अगर एरिया निकालें तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इज 10 और एल्टीट्यूड इज आर। यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां से हमारे पास में आर की वैल्यू आएगी। एंड वंस वी नो आर, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल को ट्रायंगल से सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक। तो इन दिस सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस 8। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, हमको चाहिए AC square, तो AC square विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस BC square और माइनस BC square माइनस AB square। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 square माइनस 6 square, मीन्स this is 100 minus 36, this is equal to 64, 64 is 8 square, therefore AC is equal to 8 centimeter। तो सबसे पहले तो ये निकालना जरूरी है ना। फिर ये निकालने के बाद में यहां से ज्वाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
area of triangle AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle CIA. Area of triangle ABC, this is half base into height. तो हम बेस अगर AB इंटू AC ले लें इज इक्वल टू, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, यहाँ पे बेस ये और एल्टीट्यूड R मीन्स 1/2 इंटू AB इंटू R है ना, प्लस 1/2 इंटू BC इंटू R प्लस 1/2 इंटू AC इंटू R ठीक है, 1/2 से थ्रू आउट हम कैंसिल करते हैं कॉमन निकाल के, तो बचेगा AB इंटू AC. AB इंटू AC मीन्स 6 × 8 इज इक्वल टू, यहां पे AB इंटू R मीन्स 6 × R प्लस, फिर ये आएगा 10 R और प्लस ये आ जाएगा 8 R मीन्स दिस विल बी 6 × 8 इज इक्वल टू 24 R ठीक है, इससे ये कैंसिल हो सकता है 4 times और 4 से ये 8 कैंसिल होगा 2 times means R is equal to 2 आ गया. Now once we know this value of R, so area of shaded portion, so we will write therefore required area is equal to area of triangle ABC minus area of circle ठीक है, सो हियर दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू 6 × 8 माइनस एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन दिस इज 2 square ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दें 3 times तो 24 माइनस मीन दिस विल बी 3.14 इंटू 4 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 24 एंड माइनस 4 से 3.14 को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 16 वन बचा 4 and 5 and then 12. So this will be equal to यहाँ से 4 हुआ 9 में से गया 4 आया पॉइंट और जहाँ पे 3 में से गया 1 और इसमें से गया 1 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर ओके. Then come to next. In the given figure ABCD trapezium with AB parallel to CD. So ye AB parallel to CD and angle BCD is equal to 60 degrees. So ye angle 60 degrees diya hua hai. If BFEC is a sector of the circle. So this is a sector of the circle with center C and AB is equal to BC is equal to 7. तो AB ये भी 7 centimeter है और BC
ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड डी ई इज इक्वल टू 4, सो हियर डी ई इज इक्वल टू दिस इज 4. अब देखिए, अगर ये 7 है तो ये रेडियस यहाँ पे ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया तो ये 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, राइट. ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है. यहाँ पे पाई 22/7 है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेने की है. ये भी एक क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है. तो अब देखिए, यहाँ पे हमको अगर ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इसमें से इस सेक्टर का एरिया हम कम कर दें, ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये 7 है और ये 11 है, ये तो हो गया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है. तो यहाँ पे BL हमको नहीं मालूम. अगर ये BL है H, है ना, हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BLC, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें. H upon 7 will be equal to, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, दिस इज साइन ऑफ 60 degree. साइन 60 होता है √3/2. रूट 3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, तो 1.73 और अपॉन 2 मींस दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड कर दें तो 0.865 हो जाएगा, है ना, 0.865. तो एच की वैल्यू हमारे पास में आ गई. अब देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. सो हियर 1/2 इंटू ए बी इंटू सी डी मीन 7+11, एंड एच की वैल्यू हो जाएगी 7 into this means here into 7 also. So into 7 here this will also come, and pi r square, so pi r square into theta upon 360 means 60 upon this. So here this will be this into 7 into 7 and minus 77/3. So this will be 2 times 6, then 5 times 15, 2 bacha, so 6 ho jayega. So this is equal to, isko 7 se aur multiply kar le, to ye ho jayega 5, 3 बचा 56 और 3 59, 5 बचा 49 और 5 54. सो 49 and 5 54, तो 4 एंड 49 and 5 54, so this is 54.496 and minus 25.66.
अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 तो इधर आ गया, देन 9 में से ये गया तो 3 हो गया, 4 में से 6, 4 में से 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और पॉइंट इधर 3 13 में से 5 गया तो 8, और इसमें से तो 28.835 approximately this will be the answers square centimeter. So this is approximately this answer. Okay? चलिए आगे देखें. So in the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. तो ये दोनों parallel दिए हुए हैं. AB is equal to 18 centimeter. तो ये 18 सेंटीमीटर है, DC is 32, so this is 32 सेंटीमीटर, and the distance between AB and DC, this is 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये हाइट भी दी हुई है, this is given 14 सेंटीमीटर, ठीक है? If arcs of equal radii 7 centimeter have been drawn. तो ये जितने भी आर्क हैं ये 7 centimeter के हैं, ठीक है? ये 7 centimeter have been drawn with center ABC and D, then find the shaded region. तो हमको ये shaded region का area निकालना है. अब देखिए यहाँ पे इस ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर हम सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज सेक्टर्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. और ये जो सेक्टर्स हैं ये सेक्टर्स इनका रेडियस सेम है, इनको अगर हम काट काट के और ज्वाइन कर दें यू विल फाइंड दैट दिस विल बी ए सर्कल. क्यों? क्योंकि इस एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इनका सम 360 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, इजंट इट सो? तो यहां पे जब हम इस तरह से सेक्टर्स को ऐसे अगर हम इनको रखेंगे तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री बन जाएगा. हो सकता है कि एक सेक्टर इसमें से इस तरह का हो, ये वाला सेक्टर, ठीक है? फिर दूसरा वाला होगा तो ये यहाँ कहीं पे आ जाए, तीसरा यहाँ पे आ जाए, लेकिन उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 है तो एक सर्कल बनेगा. सो रिक्वायर्ड एरिया एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल, सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस 18 प्लस 32 इनटू हाइट दी हुई है 14, दिस इज गिवन 14, एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर मींस 22/7 इनटू यहां पे ये रेडियस दिया हुआ है 7, तो 7 × 7 पाई आर स्क्वायर, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, एंड हियर आल्सो ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 50, है ना? दिस इज 50 × 7 एंड माइनस 22 × 154 हो जाएगा. Means this is 350 minus 154. So this will be equal to इसमें से गया 6, 4 में से ये गया 9, है ना? और 2 में से ये गया 196 square centimeter. This will be the area of this shaded portion, right?
Then next one, find the area of the shaded region in the figure given below. Take pi is equal to 3.14. ये भी CBSE examination में पूछा हुआ question है. अब देखिए यहाँ पे ये square है. स्क्वायर में से अगर हम ये वाला एरिया हटा दें तो हमारे पास में एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. अब देखिए इसमें इसका एरिया कैसे हटाएं. देखिए यहाँ पे 3, इधर 3, तो 3 और 3 6, 14 में से अगर हम 6 कम कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 8. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 8. ठीक है. अच्छा, इसमें भी ये रेडियस अगर r है, ये r है, ठीक है, तो ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी, दिस विल बी 8 माइनस 2r. साइड ऑफ दिस विल बी 8 माइनस 2r. एंड दिस इज 8 माइनस 2r, दिस इज ऑल्सो 8 माइनस 2r, एंड दिस हियर एरिया वी हैव टू फाइंड. नाउ दिस diameter is also r plus r, means this is 2r. 2r is equal to 8. So here if we will see this portion, this is 2r, this is also 2r. So ye bhi 2r, ye bhi r. Required area will be equal to area of big square, area of big square minus ये area of small square, area of इसको bracket में ले लें, small square प्लस. अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करें तो एक सर्कल बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करें तो दूसरा सर्कल बन जाएगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल. सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, दिस विल बी 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. अब स्मॉल सर्कल ये वाली साइड 4 है ना, क्योंकि ये 2r के बराबर है. सो दिस विल बी 4 इंटू 4 एंड प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 इंटू, यहां पे रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू ये 14 इंटू 14 196 हुआ, माइनस ये हो गया 16 प्लस, और यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन दिस इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो 8 इंटू 4 दिस इज 32, 3 बचा, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 दिस इज 11, फिर एक बचा, 8 इंटू 3 24 और 1 बचा था, तो 24 एंड 25, राइट, मींस दिस इज 196 41.12 means this will be equal to, ये subtract किया तो 8
नाइन में से गया एट, सिक्स यहाँ पे फाइव बचा, फाइव में से गया तो फोर, देन नाइन माइनस दिस इज फाइव एंड देन वन, वन 54.88 square centimeter. This will be the area of this shaded portion. Okay.